नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट सूरज शर्मा, आपका रीजनिंग गुरु। आपको पढ़ा रहा था रीजनिंग के बारे में। दोस्तों, अपन ने पिछली वाली क्लास में जो चैप्टर जो स्टार्ट किया है वो किया था सिटिंग अरेंजमेंट। सिटिंग अरेंजमेंट का अपना पहला क्लास हो चुका है। और दोस्तों, अभी तक आपने अगर मेरी पिछली क्लासेज अभी तक नहीं देखी है तो आपको करना क्या है, सबसे पहले पिछली वाली क्लास को देखना होगा, तभी जाके आपको आज की क्लास समझ में आएगी। तो और एक और बात आपके लिए, तैयारी को और अगर आप बनाना चाहते हैं बेहतर, तो आपको उसके लिए करना क्या होगा, आपको डीजे सर क्लासेस ऐप डाउनलोड करना होगा और वहाँ से आपको टेस्ट वन सब्सक्राइब करना होगा। दोस्तों, टेस्ट वन की जो प्राइस हमने रखी गई है वो है 99 रुपीज़ और उसकी जो वैधता है वो है 1 ईयर। और अगर आपने अभी तक यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो दोस्तों, ये तो थी अपनी सिलेबस या कोर्स से रिगार्डिंग नॉलेज। दोस्तों, अपन क्या करते हैं, क्लास की शुरुआत किससे करते हैं, एक मोटिवेशनल कोट से करते हैं। तो आज का जो मोटिवेशनल कोट रहने वाला है वो क्या रहने वाला है, दोस्तों, शायद किस्मत आपकी क्या हो आपको मंजिल तक ना पहुंचा पाए। किस्मत आपकी चाहे आपको मंजिल तक ना पहुंचा पाए, लेकिन आपकी मेहनत आपको मंजिल तक जरूर पहुंचाएगी। तो आपको किस्मत के सहारे या किस्मत के भरोसे नहीं रहना है, आपको करना क्या है, निरंतर प्रयास करते रहना है और अपनी मेहनत को जारी रखना है। तो ये था आज का मोटिवेशनल कोट, आई होप आपको समझ में आया होगा। दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। क्लास की शुरुआत अपन ने तो वैसे तो कर दी थी, पिछली क्लास में अपने सीख लिया था कि पंक्ति में अगर लोग बैठे होंगे तो किस प्रकार से उनका मुंह होगा, किस प्रकार से उनको सॉल्व किया जाएगा। और उसके बाद जो मैंने आपको पढ़ाया था वो पढ़ाया था व्रत से रिलेटेड क्वेश्चन, यानी कि सर्कल में बिठाने का जो तरीका होगा वो किस प्रकार से होगा। और आज करने वाले हैं इस वीडियो का सेकंड पार्ट। इस सेकंड पार्ट में अपन कवर करने वाले हैं सर्कल और व्रत, दोनों को ही कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों, आइएगा शुरुआत करते हैं क्वेश्चन से। तो क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। टाइप नंबर दूसरा चल रहा था, तो इसके अंदर देखिए क्वेश्चन है अपना। क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। J K H R F L N और Q केंद्र की ओर मुंह करके एक वृत्ताकार घेरे में बैठे हैं। दोस्तों, जे के एच आर एफ व एल और क्यू केंद्र की ओर मुंह करके एक वृत्ताकार घेरे में बैठे हैं। एच एल के बाय तीसरा है, एच एल के बाय तीसरा है जो के एकदम दाएं है, जो के एकदम दाएं है। आगे देखिएगा, आर एन के बाएं तीसरा है, आर एन के बाएं तीसरा है, लेकिन एच या एल का पड़ोसी नहीं है, लेकिन एच या एल का पड़ोसी नहीं है। जे क्यू के दाएं दूसरा है, जे क्यू के
दाएं, दूसरा है तो। अब आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसमें, ये इंफॉर्मेशन आपको दे दी गई है, इसमें क्वेश्चन अलग अलग तरीकों से पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन पूछने का जो तरीका है, देखिएगा क्या तरीका हो सकता है। पहला क्वेश्चन है एन के बाएं दूसरा कौन है। पहला क्वेश्चन है एन के बाएं दूसरा कौन है, ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा प्रश्न क्या है, एल के दाएं तीसरा कौन है, ये दो क्वेश्चन है। दोस्तों बैंक के अंदर अगर ये क्वेश्चन आता है तो कम से कम चार या पांच नंबर के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जाता है। सिटिंग अरेंजमेंट या पजल टेस्ट जो पूछा जाएगा, कम से कम चार या पांच मार्क्स का आपसे पूछा जाएगा। तो देखते हैं इस प्रॉब्लम को बनाते हैं, चलो। कितने लोग हैं, तीन, तीन छः और दो आठ, यानी कि कितने व्यक्ति हैं, आठ व्यक्ति हैं। तो आठ व्यक्ति हैं, सर्कल में कैसे बैठेंगे, ये आपका सर्कल हो गया, इसको और ढंग से बना लेते हैं। ये आपका सर्कल हो गया, इस दिए गए सर्कल में आपको क्या करना है, इन आठों व्यक्तियों को बैठाना है। और सभी का मुख किधर है दोस्तों, सभी का मुख जो है केंद्र की ओर है और वृत्ताकार घेरे में बैठे हैं। सबसे पहले देखिएगा एच एल के बाएं तीसरा है, एच जो है एल के बाएं तीसरा है, तो सबसे पहले किसको बिठाएंगे, एल को बिठाएंगे। तो मैंने जो बिठा दिया, एल को बिठा दिया, एच एल के बाएं तीसरा है, तो इसका दाया इधर होगा, एल का बाया इधर होगा। तीसरा है वन टू थ्री, वन टू थ्री, तो यहाँ कौन है दोस्तों, यहाँ कौन है एच, एच एल के बाएं तीसरा है, हो गया। जो के एकदम दाएं हैं दोस्तों, इसको देखिएगा, ये जो वर्ड आया है किसके लिए आया है, ये आया जस्ट इससे जस्ट पहले वाले के लिए। हमेशा जो जो वर्ड आएगा किसके लिए आएगा, उससे जस्ट पहले वाले के लिए। किसके लिए आया है, एल के लिए। तो एल एकदम दाएं है किसके, के की, तो के कहां होगा, के एकदम दाएं एल है और एल के बाएं तीसरा कौन है, एच। तीनों व्यक्ति को बिठा दिया। आगे चलते हैं, आर एल के बाएं तीसरा है, आर जो है एल के बाएं तीसरा है, लेकिन एच या एल का पड़ोसी नहीं है। कौन, आर एच या एल का पड़ोसी नहीं है, तो जो आर होगा वो यहाँ भी नहीं बैठेगा, जो आर होगा वो आर ना तो यहाँ आएगा, ना यहाँ आ सकता है और ना ही आर यहाँ आ सकता है। इन तीनों जगह पे आर आपका नहीं आ सकता, तो आर कहाँ आएगा, आर एन के बाएं तीसरा है, एन के बाएं, आर एन के बाएं तीसरा है, लेकिन एच एल का पड़ोसी नहीं। अभी इसको स्किप करते हैं, आगे वाला बनाते हैं, जे क्यू के दाएं दूसरा है, जे जो है क्यू के दाएं दूसरा है, तो आर यहाँ भी नहीं आएगा, यहाँ भी नहीं आएगा, तो पहले किसको बिठाएं, एन को बिठाएं। अगर एन को यहाँ बिठाते हैं, बाएं तीसरा लेना है, तो वन टू थ्री, यहाँ आर आएगा, बैठ नहीं सकता। उसके बाद अगर अपन एन को यहाँ बिठाते हैं, तो वन टू थ्री, यहाँ अपना कौन आ सकता है, बिल्कुल आर आ सकता है। तो आर को मैं यहाँ ले रहा हूँ और एन को मैं यहाँ ले रहा हूँ अभी फिलहाल के लिए। कितने व्यक्ति हो गए अपने, एक दो तीन चार पांच, पांच व्यक्ति अपने पास बैठ चुके हैं, बचे दो व्यक्ति, लेकिन एच या एल का पड़ोसी नहीं है। एच या एल का कौन पड़ोसी नहीं है, आर जी नहीं है। यहाँ एक बंदा है, यहाँ आर है अपना। आगे चलते हैं, जे क्यू के दाएं दूसरा है, जे जो है क्यू के दाएं दूसरा है, तो यहाँ कौन आ सकता है, क्यू आ सकता है, जे क्यू के दाएं दूसरा है, तो वन और दूसरा, यहाँ कौन आ गया, जे। अभी कितने व्यक्ति बैठ सकते, देखो एक दो तीन चार पांच छः, बचे दो व्यक्ति, दो व्यक्ति कौन कौन बचे, दो व्यक्ति बच गए अपने पास, एच को बिठा दिया आपने, एक व्यक्ति बचा हुआ है अपना, एक व्यक्ति अपना बचा हुआ है, देखो कौन बचा हुआ है, एच या एल का पड़ोसी नहीं है, कौन बचा हुआ है, एफ बचा हुआ है।
बचा हुआ है, तो F कहाँ आएगा, F यहाँ आएगा, F कहाँ आएगा, F यहाँ आ जाएगा। क्या ये सही है, देखते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, 8 तो बैठे, लेकिन एक जगह और बची हुई, यानी कि ये बिल्कुल सही नहीं है। तो n को कहाँ बिठाएं और n को कहाँ बिठा सकते हैं, n को अपन बिठा सकते हैं यहाँ, बिठा सकते हैं n को, n को कहाँ बिठा सकते हैं, n को यहाँ बिठाया जा सकता है। तो n कहाँ आ जाएगा अपना, n आएगा अपना यहाँ, और r कहाँ आएगा, r n के बाय, r n के बाय, n के बाय दूसरा है, यहाँ भी नहीं आएगा। तो n कहाँ आ सकता है, n यहाँ आ सकता है, और बाय दूसरा यहाँ आ सकता है। तो n 1, 2 यहाँ कौन आ सकता है अपना, इसको फिर से बना लेते हैं दोस्तों, इसको इधर बनाते हैं, इधर दिख भी नहीं रहा होगा आपको। आई होप अब दिख रहा होगा, 8 व्यक्ति हैं, ये 8 है, सबका मुख केंद्र की ओर है। सबसे पहले H L के बाएं तीसरा है, L का बाया 1, 2, 3, यहाँ कौन आएगा, H, H जो है L के बाएं तीसरा है, TF जो K के एकदम दाएं हैं, जो कौन, L, जो के के एकदम दाएं है, क्लियर हो गया। उसके बाद चलिए आर एन के बाएं तीसरा है, आर जो है एन के बाएं तीसरा है, लेकिन एच या एल का पड़ोसी नहीं है, तो आर एच या एल का पड़ोसी नहीं होना चाहिए। पहली कंडीशन ले रहा हूं मैं, जब मैं एन को यहां बिठाऊंगा तो देखिए इसका बाया इधर होगा 1, 2, 3, यहां कौन आ गया, आर, आर यहां नहीं आ सकता क्योंकि आर एच या एल का पड़ोसी नहीं होना चाहिए। उसके बाद एन को कहाँ बैठा है, यहाँ बैठा लेते हैं एन को, 1, 2, 3 यहाँ भी नहीं आएगा, एन को यहाँ बैठा ले 1, 2, 3 जी, एन को यहाँ बिठाया तो इसका बाया इधर होगा 1, 2, 3, यहाँ कौन आएगा, आर आएगा, लेकिन आर फिर एच एल का पड़ोसी नहीं होना चाहिए। तो एन की सिर्फ एक ही कंडीशन बचती है, कौन सी कंडीशन बचती है, ये वाली कंडीशन बचती है, और तीसरा कौन जाएगा, 1, 2, 3, 3 पे कौन आ जाएगा, R, R N के बाएं तीसरा है, हो गया R N के बाएं तीसरा है। उसके बाद लेकिन H L का पड़ोसी नहीं है, लेकिन H या L का पड़ोसी नहीं है, ठीक है, हो गया। उसके बाद आपको बोला गया है J Q के दाएं दूसरा है, J जो है Q के दाएं दूसरा है, J जो है Q के दाएं दूसरा है, तो J को बिठाओ, Q को बिठाओ सबसे पहले, Q बैठेगा और दाएं दूसरा कौन लेना है आपको, क्यू और दाए। दोस्तों इसमें दूसरा मत करो, दाएं दूसरा मत करो, दाएं पहला करो, दाएं पहला करो, जे क्यू के दाएं पहला है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सात व्यक्ति बैठ चुके हैं, वरना बैठेंगे नहीं दाएं दूसरा। कौन व्यक्ति बचा हुआ है, F, F कहाँ बैठ जाएगा, यहाँ बैठ जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से आप इसको बना सकते हैं, सारे आपको नजर आ रहे होंगे, ये वाला L है, L नजर नहीं आ रहा हो तो ये L है, उसके बाद ये K है, उसके बाद ये Q है, ये N है, ये H है, ये F है, ये R और ये जे, सारे व्यक्ति बैठ चुके हैं दोस्तों। अब आपसे जो भी पूछे आप बता सकते हैं, जैसे आपसे पूछा गया था एन के बाएं दूसरा कौन है, एन के बाएं दूसरा, एन के बाएं दूसरा, तो एन का दाएं इधर होगा, एन का बाएं उधर होगा, एन के बाएं दूसरा कौन है, एफ है, एन के बाएं दूसरा कौन है, एफ, यह आंसर हो जाएगा।
फिर आपसे पूछा क्या गया था, आपसे पूछा गया था दूसरा क्वेश्चन आर के दाएं तीसरा कोण है, आर के दाएं तीसरा कोण है, देखो 1 2 3 आर के दाएं तीसरा एनी होगा, ये भी आप बता सकते हैं, जो भी आपसे क्वेश्चन करे आप बता सकते हैं। तो ये था आपका एक सर्कल में दिए गए व्यक्ति को किस प्रकार से बिठाना है। अब करते हैं इसके आयताकार रिलेटेड प्रश्न, या आयत या वर्ग में व्यक्ति को किस प्रकार बिठाया जाता है। तो नेक्स्ट टाइम पे अपना आयत या वर्ग से संबंधित प्रश्न, आयत या वर्ग से संबंधित प्रश्न, दोस्तों क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन से समझते हैं, क्वेश्चन लिख रहे हैं अपन, चलो क्वेश्चन लिखते हैं। सात मित्र ABCDEFG एक आयताकार मेज के चारों ओर बैठे हैं, एक आयताकार मेज के चारों बैठे हैं, सात मित्र हैं ABCDEFGH EFG मेज के चारों ओर बैठे हैं, ए के निकट सी नहीं है, पहली जो इंफॉर्मेशन है वो क्या है, ए के निकट सी नहीं है, दूसरा क्या है, जी और ई के मध्य दो कुर्सियों का अंतर है, जी व ई के बीच दो व्यक्तियों का अंतर है, दोस्तों दो व्यक्तियों का अंतर है, बी डी के बाएं और दूसरा है, बी डी के बाईं ओर दूसरा है, बी डी के बाईं ओर दूसरा है, सी और डी के मध्य भी दो व्यक्तियों का अंतर है, सी व डी के मध्य भी दो व्यक्तियों का अंतर है, सी और डी के मध्य भी दो व्यक्तियों का अंतर है, सी जी के दाएं और दूसरा सी जी के दाएं और दूसरा तथा बी के बाएं ओर है, तथा बी के बाएं ओर है, बी के बाएं ओर है, बी तीन कुर्सी दूर है, ऐसे बी तीन कुर्सी दूर है ऐसे, लेकिन एफ के निकट नहीं है, ऐसे लेकिन एफ के निकट नहीं है, लेकिन एफ के निकट नहीं है, जी और सी के मध्य एक व्यक्ति है, जी व सी के बीच एक व्यक्ति है, तो क्वेश्चन नंबर पहला, क्वेश्चन नंबर पहला है आपका बी और डी के मध्य कौन है, बी व डी के मध्य
कौन है और दूसरा है एफ किन दो वेक्टर के मध्य बैठा है, एफ किन दो व्यक्तियों के बीच है। दोस्तों ये दो क्वेश्चन है आपके वर्ग या आयत से रिलेटेड। अगर आप क्वेश्चन कर रहे हैं तो आप एक बात का ध्यान रखें, चाहे आप वृत्त से करें, चाहे सर्कल से करें, चाहे रेक्टेंगल से करें, चाहे स्क्वायर से करें या चाहे लाइन से करें, चारों टाइप में आपको एक बात ध्यान रखनी होगी। क्या बात ध्यान रखनी होगी? अगर आपको पहले से ऑलरेडी वो बोल के दे कि दिए गए व्यक्ति का चेहरा लाइन के अंदर नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो कोई बात है ही नहीं। अगर नहीं दे तो आपको हमेशा उत्तर दिशा में लेना है। वैसे ही सेम है कि व्रत के अंदर अगर आप व्यक्तियों का सिटिंग अरेंजमेंट कर रहे हैं, अगर उसने केंद्र की ओर या दिशा दे के बोला है तो कोई बात है नहीं, दिशा नहीं दे के बोला तो आपको हमेशा उनको अंदर की ओर लेना है। सेम पैटर्न यही है कि आए तो वर्ग के अंदर भी अगर आपको कुछ नहीं दे तो आपको उनका चेहरा किस ओर लेना है, उनका चेहरा हमेशा और हमेशा जो आपको लेना है केंद्र की ओर लेना है। तो चले आइएगा इसको बनाते हैं। एक आयत है अपना, बिल्कुल आयत है, ये आयत है। इस आयत के अंदर अपने को क्या करना है, सात व्यक्ति को बैठाना है। दोस्तों देखो बैठाने का तरीका क्या रहने वाला है, यहाँ देखिएगा बैठाने का जो तरीका रहने वाला है। अगर आठ व्यक्ति होते तो उनको कैसे बैठाते हैं? आठ व्यक्ति होते तो चार तो भुजाओं पर बैठते और चार कोनों पर बैठते, लेकिन अभी फिलहाल सात व्यक्ति हैं तो कैसे बैठ सकते हैं? जी हाँ बिल्कुल ऐसे बैठ सकते हैं, ये उनका ऑर्डर होने वाला है। पहली इंफॉर्मेशन से पढ़िए क्या दिया गया है। ए के निकट सी नहीं है, चलो कोई बात नहीं, ए के निकट सी नहीं है तो चलो आगे जो इन्फॉर्मेशन मिले उसे लेते हुए चलेंगे। जी व ई के बीच दो व्यक्तियों का अंतर है, चलो ये भी सुन लिया। बी और बी डी के बायो और दूसरा है, इसको जरूर कर सकते हैं अपन, इससे कन्फर्म है कि जी व ई कहाँ होगा, इन दोनों से कोई कन्फर्म नहीं है। लेकिन इस वाली लाइन को देखेगा, बी डी के बायो और दूसरा है, बी जो है डी के बायो और दूसरा है, तो मैं पहले किसको बिठाऊंगा, सबसे पहले मैं किसको बिठाऊंगा, डी को बिठाऊंगा। दोस्तों डी को मैं बिठा रहा हूँ, यहाँ बिठा दिया मैंने डी को, डी को यहाँ बिठा दिया तो बी का होगा डी के बायो, डी का दाया इधर होगा बाया इधर होगा, बाया कौन सा है दूसरा, एक और यहाँ कौन होगा दोस्तों, बी होगा। उसके बाद सी और डी के मध्य भी दो व्यक्तियों का अंतर है, सी और डी के मध्य भी दो व्यक्तियों का अंतर है, तो चलिएगा एक तो सी यहाँ आ सकता है, सी और डी दो व्यक्तियों का अंतर आ रहा है, और सी कहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, सी यहाँ भी आ सकता है और सी यहाँ भी आ सकता है, आ सकता है, फिलहाल दोनों कंडीशन लेके चल रहा हूँ मैं। आगे चलेगा सी जी के दाएं और दूसरा, सी जो है जी के दाएं और दूसरा, तो जी को कहाँ बैठा सकता हूँ, इसके हिसाब से यहाँ बैठा सकता हूँ, दूसरा है और दाएं दूसरा, सी जी के दाएं और दूसरा, यहाँ तो सी बैठ ही नहीं सकता तो जी यहाँ नहीं बैठ सकता, तो जी का सी कहाँ बैठेगा, यहाँ बैठेगा, ठीक है। सी जी के दाएं और दूसरा तथा बी के बाएं ओर है, तथा बी के बाएं ओर है, बिल्कुल बी के बाएं ओर है, सी यहाँ भी आ सकता है भाई, सी यहाँ भी आ सकता है और जी यहाँ भी आ सकता है। सी जो है जी के दाएं और दूसरा, पहला और दूसरा और बी के बाएं ओर है, कौन है बी के बाएं ओर, बी के बाएं ओर जो है वो सी है, कौन है सी, बी तीन कुर्सी दूर है ऐसे, बी जो है तीन कुर्सी दूर है ऐसे, तो ए कहाँ होगा, यहाँ होगा, एक दो तीन, ए को कहाँ बैठा सकते हैं अपन, ए को यहाँ बैठा सकते हैं, एक दो तीन, इधर से भी एक दो तीन, तीसरे तो सी है। उसके बाद आगे चलते हैं ऐसे, लेकिन एफ के निकट नहीं है, बी तीन कुर्सी दूर है ऐसे लेकिन एफ के निकट नहीं है, तो एफ यहाँ नहीं आएगा, एफ कहाँ आएगा, एफ यहाँ आएगा, ठीक है। जी व सी के बीच एक व्यक्ति है, जी व सी के बीच एक व्यक्ति है, क्लियर है। उसके बाद पहली वाली लाइन पहले ए के निकट सी नहीं है, ए के निकट सी नहीं है साहब, जी व ई के बीच दो व्यक्तियों का अंतर है, जी व ई के बीच दो व्यक्तियों का अंतर है,
तो सारा सब कुछ सही आ चुका है आपका। आपने सात व्यक्तियों को कैसे बिठा दिया, एक आयताकार में ऐसे आपने बिठा दिया है। अब आप जो मर्जी चाहे उसका आंसर लगा सकते हैं। पहला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है दोस्तों, पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है बी व डी के मध्य कौन है। दोस्तों बी व डी के मध्य कौन है बताओ, ई है, ऐसे भी तो पूछा जा सकता है, तो डिपेंड करता है ऑप्शन पर। अभी फिलहाल के लिए इसका जो आंसर होगा बी व डी के बीच, बी व डी के बीच पहले का आंसर होगा ई, पहले का क्या आंसर होगा ई आंसर होगा। दूसरा एफ किन दो व्यक्तियों के बीच में है, एफ किन दो व्यक्तियों के बीच में है, सी व जी के बीच में, दूसरे का आंसर क्या हो जाएगा सी व जी के बीच में, ये अपने आंसर हो जाएंगे सी व जी के बीच में। दोनों प्रश्नों का आंसर इजीली अपन निकाल चुके हैं दोस्तों। तो ये एक तरीका है कि वृत्ताकार में या सॉरी आयताकार में या फिर वर्गाकार में व्यक्तियों को किस प्रकार से बिठाया जाता है। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इस प्रकार से आपको बैठाना है। तो दोस्तों ये थी आज की क्लास आपकी। इसमें अपन ने सीटिंग अरेंजमेंट के अंदर पिछली वाली क्लास में पंक्ति से रिलेटेड क्वेश्चन किए थे, और आज जो क्वेश्चन किए और पिछले वाली क्लास में भी क्वेश्चन करवाए थे मैंने आपको, सर्कल से रिलेटेड और आयताकार से या फिर वर्गाकार से रिलेटेड आज अपन ने क्वेश्चन किए हैं। दोस्तों प्रैक्टिस आपको क्या करनी है, इसकी निरंतर करनी रहनी होगी। इस चैप्टर की प्रैक्टिस आपको जितनी ज़्यादा करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी बेहतरीन ये चैप्टर बनता जाएगा। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। नेक्स्ट क्लास में अपन क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में जो अपन सीखेंगे कोई एक नया चैप्टर शुरू कराएंगे। ठीक है, तो गाइज ये थी आपकी क्लास, आई होप क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर आप मेरे से निरंतर पढ़ रहे हैं, रेगुलर पढ़ रहे हैं, यूट्यूब हो चाहे डीजेसर क्लासेज एप हो, अगर वहाँ पर दोनों क्लासेज के अंदर अगर आपने अभी तक क्लासेस को नहीं देखा है तो आप पिछली क्लासेस को जाके देख सकते हैं। और आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं और तैयारी को और बेहतरीन या और मजबूत बनाना चाहते हैं तो डीजेसर क्लासेस ऐप के अंदर आपको टेस्ट वन मिलेगा। उस टेस्ट वन पे जाके आपको क्या करना है, अपनी तैयारी को और स्ट्रॉन्ग करना है और मजबूत करना है। आने वाले एग्जाम को देखते हुए आपको तैयारी और ज़्यादा बढ़ानी है, अपनी तैयारी को बढ़ाते रहना होगा। और टेस्ट वन आपको कहाँ मिलेगा दोस्तों, टेस्ट वन जो आपको मिलेगा डीजेसर क्लासेस ऐप के अंदर स्टोर के अंदर मिलेगा। इसका जो प्राइस रखा गया है 99 रुपीज़ रखा गया है, और दोस्तों इसकी जो वैलिडिटी है या इसकी जो वैधता है एक साल की है। तो आप इसे सब्सक्राइब कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली वाली क्लास में, तब तक के लिए बाय।